देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस मुस्कान के साथ। आइए शुरुआत करते हैं कर्नाटका की खबरों से। कलबुर्गी जिला जेडीएस पक्ष के नासिर हुसैन उस्ताद द्वारा झारखंड में हुई तबरेज अंसारी पर मॉब लिंचिंग की घटना पर अपना आक्रोश जताते हुए भारत की आजादी के बाद भी ऐसी घटना होना इस देश के ऊपर एक कलंक बताया और SC ST एक्ट के तरह ही मुस्लिम कास्ट के लिए भी एक अलग कानून बनाने के लिए भी उन्होंने आग्रह किया। हिंदुस्तान में ये मॉब लिंचिंग का जो मामला है, मैं समझता हूँ कि एक बदनुमा दाग है हिंदुस्तानी जमहूरी निज़ाम के लिए। हिंदुस्तान के 70 साल के आज़ादी के बाद जो सिलसिला सेंटर में नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद जिस तरह की सियासत भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क को तोड़ने के लिए अपने सियासी इक्तदार को बरकरार रखने के लिए जिस तरह से पोलराइजेशन का काम कर रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लीडर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक फिज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मॉब लिंचिंग का जो ये इंसिडेंट्स रिसेंटली जो झारखंड में तबरेज अंसारी के लेकर के जो हुआ है, ये कड़ी है। एक सिलसिलेवार वाक़यात हो रहे हैं हिंदुस्तान भर में, उसकी एक कड़ी इसको देखा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जमहूरियत के लिए बहुत ही नुकसानदेह और बहुत ही ख़तरनाक अमल एक यहाँ पे देखने को आया है। हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए, इंसानियत को कमज़ोर करने के लिए, जमहूरियत को कमज़ोर करने के लिए इसको तमाम मज़हब के लोग, तमाम मज़हब के सेकुलर जहन रखने वाले, इंसानियत पे यकीन रखने वाले लोग इसकी मजम्मत करते हैं। और इसको अगर रोकना होगा तो भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी मंशा है उस मंशा को थोड़ा सा बदलना होगा, मुझे इसकी उम्मीद बहुत कम नज़र आती है। इसलिए मेरा मुतालबा ये है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से, गुलबर्गा के अंदर तमाम ऑर्गेनाइजेशन से, हिंदुस्तान भर के तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लेकर के एहतजाज भी किया है, मुतालबे भी किए हैं। मुझे इस बात की सख्त ज़रूरत महसूस होती है कि आज हिंदुस्तान में जिस तरह से प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है, जो एट्रोसिटी एक्ट बना है, उसी तरह से मुसलमानों को लेकर के भी इस तरह से एक एक्ट बनना आज के इस वक्त की ज़रूरत है। अगर हिंदुस्तान को एक धागे में अगर पिरो के अगर मजबूत रखना है, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले तमाम सिटीजन्स को ये एहसास दिलाना है कि हिंदुस्तान के वो अहम हिस्सा हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मज़हब के तमाम शहरियों के लिए वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके जज्बात को, उनके एहसासात को, उनकी अहमियत को समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज एक कानून सेंट्रल गवर्नमेंट में लाना चाहिए और मुसलमानों के तहफ़ुज़ के लिए इस तरह से जो वाक़यात हैं, इस तरह के वाक़यात और ना हों। और जो भी इस तरह से मॉब लिंचिंग के अंदर, चाहे वो किसी भी वजह, चाहे वो गोश्त के नाम पर, चाहे वो चोरी के नाम पर, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स का सबसे घिलौना बदसूरत चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी आज पूरी दुनिया के सामने बता रही है, ये मॉब लिंचिंग के जरिए बता रही है। इसकी मजम्मत न सिर्फ मैं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम लोग, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसकी मजम्मत होनी चाहिए। आज वक्त आ गया है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ रखने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक एक्ट बनना चाहिए। और खबरों के लिए बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।